ये मैंने आलू छील लिया है और अब हम इसको धोएंगे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको धोएंगे और उसके बाद हम इसे काटेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आलू का भुजिया। तो ये मैंने एक आलू काट दिया है, अब मैं सारे आलू काट के उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ। मैंने सारे आलू काट लिए हैं और अब मैंने कढ़ाई बैठा दिया गरम होने के लिए। जैसे गरम होता है हम इसमें तेल डालेंगे, तो अब हम इसे गरम होने देते हैं। कढ़ाई डालेंगे तेल, हीट अप ऑयल, फिर जीरा, अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा मिर्च। देन चलाएंगे, हमारा मिर्च हो गया, अपना कटा हुआ आलू का भुजिया। आलू को अच्छे से तलने लेंगे, अब हम कर देंगे बंद और फ्लेम को कर देंगे कम। खोआ जिसको हमने भूंज दिया है अच्छी तरीके से, अब इसमें हम डालेंगे चीनी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स क्या था जिसको मैंने पहले लगा दिया था भुजिया काटने से पहले, और ये खोआ। अब इसकी बन रही है लोई, अब इसमें जाएगा खोआ, अब इसमें गड्ढा हो रहा है। अब इसमें हम भरेंगे अपना खोआ जिसमें हमने चीनी मिक्स करके रखा था। अब ये गया खोआ, अब इसको करेंगे बंद। हम अपना भुजिया देख लेते हैं थोड़ा सा। यह हमारा भुजिया अभी मुझे कर उसको अच्छे से बेल के बड़ा करेंगे, उसके बाद हम इसकी बनाएंगे रोटी। हमारा तवा भी हो गया है गर्म, जल्दी डालो। गया अब इसको लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। फिर इसको पलटेंगे, दूसरे साइड भी लगाएंगे अच्छे से। फिर हम करेंगे इसका फ्लेम थोड़ा कम, ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना लगे। हल्का प्रेस करेंगे धीरे धीरे और फिर इसको करेंगे पलट। ये हमारा एक साइड अच्छे से पक चुका है, अब हम दूसरे साइड भी हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे घुमाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। हमारा दूसरे साइड भी पक गया। बस ये हो गया। अब इससे ये हमारी है पहली खोए वाली रोटी, अभी फिर रखेंगे हॉट पॉट में। और ये दूसरी तीसरी बन रही है और ये दूसरी बन के रेडी हो गई। फिर हमारा भुजिया जो थोड़ा सा पक गया है और ये हमारा तीसरा रोटी भी हो गया है एक साइड। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, इतना ही डालेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए, हल्दी का टेस्ट ज़्यादा ना आए। अच्छे से मिक्स करेंगे,
कलर सब सही है। ये हमारा रोटी भी हो गया। अब इसमें हम लगा रहे हैं ऑयल अच्छे से। वेरी गुड। अब इसे हम पलटेंगे, देन फिर इस साइड भी ऑयल लगाएंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसके कॉर्नर पक जाए। हल्के हाथों से, क्योंकि अगर जोर से हम प्रेस करेंगे तो इसका खोआ बाहर आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा अच्छे से फूल गया। अब इसे हम हल्के हाथों से, ये देखे जाए जाते नहीं, देखो ये ज़्यादा तेज प्रेस करने से ये बाहर आ गया। यही होता है अगर हम ज़ोर से प्रेस करते, तो मेरे से गलती से देखिए प्रेस हो गया। अब इसे हम फ्लेम करेंगे कम, भुजिया फ्लेम करेंगे कम और अभी इसे चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च थोड़ा थोड़ा डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे धनिया। बस अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने पहले डाल दिया था और मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने इसे दोबारा डाल दिया मिक्स। अब इसमें से भर देंगे थोड़े से और चुका है, एकदम अच्छे से पक चुका है। इसे हम कर देते हैं बंद और उसके बाद गैस भी कर देंगे बंद। पर हमारा रोटी अभी बन रहा है, मैं बना के बात करती हूँ। हमारा खाना बन गया, बस एक और रोटी सेक रहा है, उसके बाद खाना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी हो गई लास्ट रोटी, हम करेंगे गैस बंद और ये कंप्लीट। हम खाना शुरू करते हैं। ये हमारे खोए की रोटी बहुत गर्म है, आप देखो इसमें खोआ, ये रहा खोए की रोटी, आप इसमें देख सकते हो हमारा खोआ। अब इसे हम करेंगे खाना से, और ये हमारा आलू का भुजिया स्टार्ट है। अब भी खाओ और बनाओ।